हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैंने एक इसके पहले वीडियो बनाई थी बोगनविलिया के ऊपर, आपने बहुत सारा प्यार दिया, वैसा प्यार इस पर भी देना। और देखिए, मैं एक फिर से नई बोगनविलिया के ऊपर नई वीडियो लेके आ गया हूँ। तो देखिए, मैंने दिखाया था उस टाइम कि मेरे दो कलर के फ्लावर थे, मैं भी फ़ोटो लगा दूँगा, आप लोग देख लेना। तो उस पर दो कलर के फ्लावर थे, वो झड़ गए हैं। दोबारा जैसे ड्रॉप हुए हैं फूल, तुरंत फिर से ये देखिए फ्लावरिंग हो गई हमारे बोगनविलिया पे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे बोगनविलिया पे फ्लावरिंग नहीं आते, केवल पत्तियाँ ही पत्तियाँ रहती हैं। तो आप लोग कुछ गलतियाँ करते होंगे जिसके वजह से आपके बोगनविलिया में फ्लावरिंग बहुत कम होती होगी। हमारे बोगनविलिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे देखिए फ्लावरिंग ना हो। सब में देखिए फ्लावरिंग हो रही है, देखिए सब में फ्लावरिंग, देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग। इसकी मैंने वीडियो शॉर्ट डाली, आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत प्यारा फ्लावर है। अब तो कुछ इसमें फ्लावर ड्रॉप हो गए हैं जिसकी वजह से कम हो गया है। ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए, मैं छत पे आता हूँ तो इससे हमारी नज़रें नहीं हटती हैं, सारे पूरे मेरे गार्डन में केवल बोगनविलिया ही बोगनविलिया चमक रहा है इस वक्त। इतना ज़बरदस्त फ्लावरिंग हमारा बोगनविलिया करता है। तो देखिए, पॉट मैंने कुछ इतना बड़ा दिया है, बहुत बड़ा पॉट हमारा भी नहीं है, क्योंकि इसकी मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए जिससे पानी रुकने ना पाए, क्योंकि बोगनविलियों को पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। बहुत लोग क्या करते हैं, जिससे बहुत लोग कहते हैं कि हमारे बोगनविलिया फ्लावर नहीं आते, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब पानी पिलाओगे तो क्या होगा, केवल पत्तियाँ आएंगी, फ्लावर बहुत कम आएंगे। तो क्या करना है, आज से आपको पानी डालना कम करना है। और मैं आप लोग फर्टिलाइजर देख के आए होंगे ना, केवल फर्टिलाइजर ही काम नहीं करता है, कुछ ट्रिक भी काम करते हैं जिससे फ्लावरिंग होती है हमारे बोगनविलिया पे। तो वो ट्रिक आज बताने वाला हूँ, और आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहना। बहुत लोग क्या करते हैं, स्किप करते रहते हैं, तो वो आपको जानकारी छूट जाएगी अगर स्किप करते हैं। तो फिर मत कहना कि हमारे बोगनविलिया पे फूल नहीं आ रहे हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। तो इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई उसको जाके देखना, उसके बाद इसको भी देखना, या इसको देख के उसको जरूर देखना। मैंने इसमें फर्टिलाइजर बताया था क्या डालना है, आज मैं दूसरा फर्टिलाइजर बता रहा हूँ। वो लोग कहते हैं फ्लावर आते हैं लेकिन गिर जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी ड्रॉप होने लगते हैं, तो उसका भी सोल्यूशन रहेगा, तो उसको भी मैं बताने वाला हूँ कि बॉल ड्रॉप कैसे होता है। तो चलिए बता ही देते हैं। जैसे क्या होता है कि जब फ्लावरिंग आ जाए, मैंने पहले बताया है कि फ्लावरिंग लाने के लिए पानी बहुत कम डालना है, ठीक है। अब जब फ्लावर आपके प्लांट में आ जाए तब पानी की बिल्कुल कमी नहीं होने देना। अगर पानी की कमी करोगे तो फ्लावर सारे ड्रॉप हो जाएंगे, एक अगर थोड़ी सी भी हवा चली सारे फ्लावर टूट टूट के गिरने लगेंगे। तो देखिए, जैसे मेरे फ्लावरिंग देखिए हो रही है, तो मैंने देखिए मिट्टी एकदम नमी मिट्टी में बना रखी है, देख सकते हैं आप लोग, एकदम अच्छे से इसमें नमी बना रखी है। तो ये गलतियाँ बिल्कुल मत करना, सब में देखिए अच्छे से नमी, इसमें भी नमी है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना। और इसकी मिट्टी कैसी होना चाहिए, इसमें सॉयल मिक्स इस तरह बनाएं कि पानी बिल्कुल ना रुके। मतलब आपको अगर 20% या 40% अगर आप सॉयल ले रहे हैं, तो 40% इसमें आपको गोबर की खाद डालना है, और 20% आपको, या 30% गोबर की खाद और 30% आपको इसमें रेत या मोरंग जरूर मिलाना है, जिससे इसका क्या ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे, वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। तीसरी बात, आपको इसमें जब फ्लावरिंग हो जाए तब आपको सावरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, वरना फूल ड्रॉप होने लगेंगे, ठीक है। सावरिंग बिल्कुल नहीं करनी, जब तक फूल ना आए तब तक आप सावरिंग कर सकते हैं। अगर फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावरिंग आ गए हैं, तो सावरिंग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, केवल मिट्टी में आपको पानी देना है। तीसरी बात, आपको फर्टिलाइजर बताऊँगा, वो फर्टिलाइजर पहले वाले वीडियो में डाला है, उसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूँगा, आप लोग जा कर देख सकते हैं। आज मैं दूसरा फर्टिलाइजर देने वाला हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर देखना। तो मैं जो दूसरा फर्टिलाइजर डालने वाला हूँ आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे उसको फर्टिलाइजर बनाना। तो दोस्तों देखिए, वो ये फर्टिलाइजर है, ठीक है, आप इसी का फोटो देख के आए होंगे, तो बिल्कुल सही है। तो ये फर्टिलाइजर क्या है, इसको मैंने कैसे बनाया है, ये जो आपके किचन वेस्ट निकलता है, सब्जियों के पील्स और बनाना पील से सारे जितने पील्स निकलते हैं, जो सब्जी सड़ जाती है, उसको क्या करता हूँ मैं, एक डिब्बे में भर के रख देता हूँ, आधी बाल्टी पानी लेके
एक बाल्टी है, ये जिसमें पानी बाल्टी रखी हुई, देखिए पेंट की बाल्टी है, इसमें आधा पानी भर देता हूँ। उसके बाद जितने भी घर में किचन वेस्ट निकलता है उसको इसमें भर देता हूँ। ढक्कन बंद करके रख दो, उसमें क्या होगा वो अच्छे से काम करेगा। कम से कम एक हफ्ता भर के रख दीजिए, उसके बाद फर्मेंटेशन होने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। उसको छानना है और इस तरह आपको मिलेगा, ठीक है। ये हमारा बहुत पुराना है इसलिए इसका कलर इस तरह हो गया है। तो जैसे आपको अगर 1 लीटर ले रहे हैं तो उसके साथ आपको 10 लीटर पानी मिलाना है, तो मैं इतना ले रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा पानी लिया है, तो इसको इसमें देखिए मिला दिया, ठीक है। देखिए उसका कलर कैसा हो गया, ठीक है। इसको आपको देना है प्लांट को, तो दोस्तों देखिए इसको ऐसे आराम से डाल देना है। तो आप अपने गमले के हिसाब से कितना बड़ा प्लांट है आपके पास उसी हिसाब से आपको फर्टिलाइजर देना है, ठीक है। तो मेरे जितने बोगनविलिया मैं सब में दूंगा, इसमें भी डाल देते हैं। और जो बचा है उसको भी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इस तरह के न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।